कलाकारा उत्ते फायरिंग होना किन्नी आम जही गल हो गई है। आपां सुणदे आं ते कहिंदे आं अच्छा एक होर ते फायरिंग हो गई, लेकिन सोचण वाली गल ए है कि ए कोई आम जही गल नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे वल्लों एपी ढिल्लों दे घर दे उत्ते फायरिंग की गई ते बाद चों जिम्मेदारी भी ले लिती गई ते कहा गया कि असी फायरिंग की है। ते ऐसा पहली बार नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे वल्लों किसे दे उत्ते फायरिंग करन तो बाद जिम्मेवारी लिती गई होवे। सिद्धू मूसेवाले दे कतल दे पिछे लॉरेंस बिश्नोई दा हाथ सी। ओ फायरिंग ऐसी सी जिसने सिद्धू मूसेवाले दी जान ले ली, लेकिन उस तो बाद भी कई लोग ऐसे ने जो कि लॉरेंस बिश्नोई दे निशाने ते रहे ने, खास तौर ते कलाकार। ते अज उन्हां ही कलाकारां दी गल करदे आं। सब तो पहला नाम है जी सलमान खान दा। सलमान खान दे नाल लॉरेंस बिश्नोई दी पुरानी दुश्मनी है। कलाहिरन मामले दे विच उन्होंने साफ तौर ते कहा कि बिश्नोई समाज नूं ठेस पहुंची है, लेकिन सलमान खान ने सिद्धे तौर दे उत्ते कदे माफी नहीं मंगी ते उन्हों इस गल लई सॉरी भी नहीं है। ते इस दे चक्कर दे विच लॉरेंस बिश्नोई ने आप कहा सी कि वह सलमान नूं माफ नहीं कर सकते ते उन्हां उत्ते हमला करनगे। इस तों बाद सलमान खान दे घरे फायरिंग दा कीती गई, उन्हां नूं डराउण दे लई सिक्योरिटी हालांकि वधा दित्ती गई, लेकिन फायरिंग दा मामला तां सामने आया ही। गिप्पी गरेवाल दे घर दे उत्ते भी फायरिंग दा मामला सामने आया सी, क्योंकि उन्हां ने भी सलमान खान दे नाल काम कीता सी। सलमान खान गिप्पी गरेवाल दी एक फिल्म दे ट्रेलर लॉन्च ते पहुंचे सी, जिस तो बाद उन्हां दे घर दे उत्ते भी फायरिंग कीती गई ते उन्हां नूं भी धमकियां दित्तियां गईयां। उस तो बाद हुण ताज़ा मामला एपी ढिल्लों दा है। एपी ढिल्लों ने कई पंजाबी गीत गाए ने ते रीसेंटली उन्होंने एक गाना सलमान खान दे नाल रिलीज़ किया, जिस तो बाद सीधे तौर पर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उन्हां दे सेंटीमेंट्स हो गए ने हर्ट ते उन्होंने कर दित्ती उन्हां दे घर दे उत्ते फायरिंग। एपी ढिल्लों दे कैनेडा वाले घर दे उत्ते फायरिंग कीती ते जिम्मेवारी भी लई कि इह सलमान खान दे नाल गाने कर रहा सी ते हुण भुगते। ते इस तरह दे नाल जब हुण फायरिंग हुंदी है कलाकारां दे घर दे उत्ते तां सेफ्टी दे उत्ते दा सवाल जरूर ही उठते ने कि कलाकार किन्ने कु सेफ ने।